अगस्त से लगातार हो रही बारिश की वजह से दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति आ गई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सांगली तथा कर्नाटक में बेलगाम और बागलकोट सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित इलाके रहे। इन इलाकों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर और स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए सशस्त्र सेनाओं द्वारा 5 अगस्त को ऑपरेशन वर्षा राहत प्रारंभ किया गया। थल सेना, नौसेना तथा तटरक्षक दल की टुकड़ियां इन प्रभावित इलाकों में तैनात की गई। एयरफोर्स के विमानों के द्वारा पुणे, बड़ौदा और भुवनेश्वर से एनडीआरएफ की टुकड़ियां भी प्रभावित इलाकों में तैनात की गई। बारिश से कोई राहत न मिलने की वजह से कर्नाटका में गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, शिवमोगा, चिकमगलूर और कोडागू भी बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश का प्रभाव केरल पर भी पड़ा और कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। वायनाड, मलापुरम और कोझिकोड सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित इलाके रहे। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए थल सेना की टुकड़ियां और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वायुसेना के विमानों के द्वारा एनडीआरएफ की टीम्स को बठिंडा, हिंडन और कोलकाता से प्रभावित क्षेत्रों में लाया गया। इसके अलावा सेना की इंजीनियर दल भुज, भोपाल और जोधपुर जैसी जगहों से प्रभावित क्षेत्रों में लाए गए। 10 अगस्त तक सशस्त्र सेनाओं की 222 टीम्स और 13 हेलीकॉप्टर बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों में जुट गए थे। We are here since yesterday morning 5 o'clock. One of my column was here around 5 o'clock in the morning, and we reached at 1:30 in the afternoon. And since then, we have rescued more than 1,000 people. गुड शाबाश, सबको लाइफ जैकेट पहना दो। माता की जय।